क्या आप भी अपने हेडफोन से परेशान हैं? क्या आपको भी गेम खेलने के दौरान आवाज का मसला होता है? क्या आपकी भी कान हेडफोन से दुखते हैं? क्या आपकी भी हेडफोन की तार छोटी है? तो जी 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 हाँ, बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरे देखने वालों, चाहने वालों, प्यार करने वालों। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मौज कर रहे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज का सीन कुछ इस तरह का है कि मुझे आई है मुबीन की कॉल। मुबीन ने कहा यार मेरा एक लैपटॉप है वो ख़राब हुआ और उसको सही करवाना है। मैंने कहा बस जी पहुंच जाओ गुलाजी प्लाजा। तो मैंने कहा यार इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और जाके अपने लिए ये हेडफोन का मसला हल कर लिया जाए। चलते हैं यहाँ से क्योंकि फिलवक़्त जो है मैं इस कंडीशन में हूँ और मैंने तैयार होना है। तो मेरा जो सूट पड़ा है वो ये है। तैयार होके तो मैं घर से निकलता हूँ, पहुँचूंगा गुलाजी प्लाजा जहाँ पे मुझे ज्वाइन करेगा मुबीन। सो स्टे विद मी, कीप वॉचिंग। तो क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मुझे लगता है कि हमें यूं जल्दी तैयार होना चाहिए। तो ये मेरा जोड़ा और ये मैं। तो भाई हम हो गए रेडी, ठीक है, अब यहाँ से निकलना है हम लोगों ने, तो लेट्स गो। ये रही कप्तान की 10-10 किलो की चप्पलियां। अच्छा ये तो दोस्तों BRTA के स्टेशन पे पहुंच गया हूँ और क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचें। तो अपनी सीट बेल्टें बांध लो और रेडी हो जाओ। अच्छा तो हम लोग इस वक्त सरदारगढ़ी स्टेशन पे हैं और हम लोगों ने जाना है यहाँ पर 20 नंबर स्टेशन अब्दार रोड। तो ड्राइवर को बोलेंगे कि ज़रा बगैर स्टॉप के जाए और हमें वहाँ पर पहले उतारे उसके बाद फिर स्टॉप करता रहे, तो साथ रहना। ओके गाइस, तो फाइनली हम सरदारगढ़ी से जो है अब्दार रोड आ गए हैं। देखो डायरेक्ट पहुँचे हैं। हाँ जी, तो देखा है जितना जल्दी हम लोगों ने कोशिश किया वहाँ पर पहुँचने की। अब मुबीन उधर कर रहा है मेरा अंडरपास के पास वेट, जिसकी हमें तलाश थी। मुबीन दी ग्रेट, पेट्रोल डलवाया मोटरसाइकिल में, पैसे मैं नहीं दे रहा ना। चलना फिर चिप्स खिलाएगा, लैपटॉप बेचेंगे तो पैसे आएंगे, चिप्स खाएंगे। चलो जी हम लोग अभी धूम मचाले करने वाले हैं, तो लेट्स गो। सीन कुछ इस तरह का है कि हम लोग गुलाजी प्लाजा में हैं और हम लोगों ने मुबीन का लैपटॉप दिखाना है। तो मुबीन के लैपटॉप का ये हाल हुआ है कि उसकी स्क्रीन बोर्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डैमेज हो गई क्योंकि वो लगा है या गिरा है जो भी हुआ है। तो जाते हैं उसका रेट पता करते हैं क्या रेट मिलता है, तो उसके बाद आगे की हम लोग प्लानिंग करेंगे कि इसने लैपटॉप लेना है या बेचना है। तो अभी हम लोग ये वकार भाई के पास आए हैं, इसके बारे में बताएं कि अभी हमने इसके साथ क्या करना चाहिए। तो रेडी कर लें तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। सेल करते हैं सर तो ये आपसे बिल्कुल चीप रेट पे जाएगा। जो स्क्रीन लगी हुई है ना इसकी वर्थ जो है इस टाइम पे 12,500-13,000 रुपए इसकी वर्थ है। एक रेट मिला है 6,000, एक रेट मिला है 8,000, लेकिन हमें दोनों रेट सही नहीं लगी। मतलब ये काबिल इस्तेमाल है, इसको बेचने पे नुकसान हो रहा है। अब वेट हो रहा है जानी का, जानी हजूर आ जाएं तो उनके साथ हम लोगों ने लेने हैं हेडफोन। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी बैठे हैं हमारे भाई, कैसे हैं अली भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत अच्छी है, ठीक ठाक। वकार भाई आ गए, इनके साथ हम लोगों ने निकलना है हेडफोन के लिए, तो हेडफोन लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जनाब इस तरह हुआ है कि हम घूम के आ चुके हैं, एक दो दुकानें और भी देख ली हैं हेडफोन के लिए। वहाँ पे खैर वीडियो हम लोग नहीं बना सके, पीछे वाली मार्केट जाते हैं वहाँ पे भी एक दो हेडफोन देखते हैं। चीज़ें तो सारी पसंद आ रही है लेकिन जितना वो गुड़ डालते जाओ उतना मीठा होता जा रहा है। हम लोगों ने बस ऐसे लेने के बजट में भी हो और ऐसे हो कि रिलायबल हो, काम करे। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ रहो। हम आ चुके हैं ये लाइव इम्पैक्स वाले के पास और इसके पास भी काफ़ी वैरायटी पड़ी है, तो जाते हैं इनसे बात करते हैं हेडफोन के लिए कि कुछ अच्छा मिल जाए। नए हेडफोन आए होंगे तो इसका एक ये इशू है कि ये USB पोर्ट के साथ हैं, तो इसका मसला ये है कि मैं इसको मोबाइल के साथ यूज़ नहीं कर सकता। और अच्छा भैया, तो सीन कुछ इस तरह हो गया कि हम लोग पिछली मार्केट से भी घूम के आ गए। मार्केट घूमने के बाद फिर हमें भाई ये चीज़ मिली है और ये चीज़ मैं आपको घर जाके बताऊँगा कि क्या है। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, सो फाइनली आई गॉट माई न्यू हेडफोन विच इज़ थंडर V1000 RGB। यार काफ़ी मार्केट में फिर रहा हूँ, बेहतरीन चीज़ मिली है मुझे। हर किस्म का मॉडल पड़ा था लेकिन अगर स्टार्ट है तो ये चीज़ अच्छी है।
तो बिना टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो कम हियर। ओके गाइस, सो अनबॉक्सिंग के बाद जो हमें हेडफोन देखने को मिल रहे हैं तो वो काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और फील भी करा रहे हैं कि काफ़ी गुड स्टफ़ है। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें थंडर का लोगो जो कि दोनों तरफ पर है और साथ आपको इसमें एक ये वाइट सर्कल जो नज़र आ रहा है दोनों तरफ, ये RGB लाइट प्रोवाइड करेगा। इसमें साथ ही आपको एडजस्टेबल मूवेबल एक माइक देखने को मिल रहा है जिसमें लाइट लगती है और साथ में आपको इसके तीन ये जैक देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा ये कि ये बहुत लाइट वेट है। यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है जिससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील करेंगे अगर इसको आपने यूज करना है तो। इसका जो कुशन्स लगे हुए हैं, इस कुशन्स की वजह से मेरे कान बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होती, एडिटिंग में बहुत हेल्प होती है। गेमिंग एक्सपीरियंस में भी इसने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है, वो अक्सर पबजी खेलते वक्त तो पता नहीं चलती कि कौन कहां से आ रहा है। प्राइस की बात की जाए तो ये बेहतरीन प्राइस में आया है, लो बजट प्राइस का ये हेडफोन है और इसकी जो प्राइस है वो है 2000। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह नई नई वीडियोस आने की उम्मीद है, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है और मेरी तरफ से वीडियोस आएंगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग मुझे देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।